पबजी मोबाइल की तरफ से पबजी मोबाइल इंडिया का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और इस दिवाली के अवसर पे आप लोगों को वो गेम खेलने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि आज की डेट में रिपोर्ट्स में बताई जा रही हैं कि भारत सरकार की तरफ से कुछ चीजें ऐसी बोली गई हैं जिसके कारण गेम में आने में डिले हो सकता है। कितनी सच्चाई है इस बात में और क्या रियल इंफॉर्मेशन है? 5 बड़े चेंजेस पबजी मोबाइल इंडिया में किए गए हैं जो कि पहले के अपेक्षा बदल जाएंगे। आपको जो पहले चीजें सेटिंग्स या जो भी चीजें आपके पबजी मोबाइल में थी, क्या वो सारी चीजें वापस से नए पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर आने का संभावना है क्या? पूरी खबर आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आप लोग को विश करना चाहूंगा हैप्पी दिवाली, सेफ तरीके से मनाइए। क्रैकर्स को जलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है, वो दिल्ली हो या कोई भी शहर हो। तकनीकी सार पे आप सबका स्वागत है और आपको बताने वाला हूं पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में। पबजी मोबाइल इंडिया पबजी की तरफ से एक नया गेम लॉन्च किया जा रहा है इंडिया को मद्देनजर रखते हुए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा 69A जो रूल है आईटी का, उसको लगाते हुए बंद कर दिए गए थे लगभग 200 एप्लीकेशंस जिनका चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइनीज कंट्री के साथ कोई टाई अप था। आप सभी को पता है कि पबजी मोबाइल टेंसेंट के साथ मिलकर आप लोगों को गेम चला रही थी इंडिया के अंदर, वहां पे जो आपका डेटा था वो चाइना के अंदर स्टोर होता था। और इस बात के मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कार्रवाई करी और बोला कि अगर आप प्राइवेसी पे ध्यान नहीं रख सकते हैं तो आपको बंद करना पड़ेगा सिस्टम को। और ये बात आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस बात के बारे में और कुछ लिंक है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब इसके बाद पबजी के साथ साथ बहुत सारे एप्लीकेशन इंडिया से चले गए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत लोगों के द्वारा बहुत दिनों तक पबजी का गेम खेला गया वीपीएन के थ्रू, उसके बाद फिर से एक बैन आया और अभी भी बहुत लोग खेल रहे हैं जिनके पास कुछ अलग सेटिंग्स पड़े हुए हैं। तो अब यह बात तो हो गई जो लोग गलत तरीके से गेम को खेल रहे हैं, लेकिन पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में 12 नवंबर को इंफॉर्मेशन आता है और 14 नवंबर 2020 को, मतलब कि आज के दिन, उनके तरफ से एक टीजर लेके आ जाता है। डायनेमो और इसके साथ साथ 3-4 और बड़े गेमर्स हैं उनको इस वीडियो में रखा गया है। तो आपको बता दें कि पबजी मोबाइल इंडिया जो कि सब्सिडरी होगी पबजी की, और वो सब्सिडरी है क्राफ्टन कंपनी की, और क्राफ्टन जो है ब्लू होल एक कंपनी करके है कोरिया की, उसकी सब्सिडरी है। अब ये 4-5 कंपनी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि क्राफ्टन का जो टाइप है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ हो गया है स्टोरेज को लेके। अब इंडिया के अंदर $100 मिलियन का, मतलब कि लगभग 750 करोड़ रुपए का निवेश करने का बात चल रहा है, और पबजी मोबाइल इंडिया के लिए 100 अलग से अधिकारी हायर किए जाएंगे जो कि यहां पे आईटी में काम करेंगे। डेटा आपका सेफ रहेगा, आपको एक कस्टमाइज तरीके से टीम मिलेगी जो कि सिर्फ इंडियन जो कम्युनिटी है गेमिंग की, पबजी की, उस पर ध्यान देगी, और साथ ही साथ जो जॉब क्रिएशन हो रहा है उसके बारे में पबजी मोबाइल इंडिया की तरफ से बोला जा रहा है। अब पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर 5 नए बदलाव किए जा रहे हैं जो कि इंडियन कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। पहला बदलाव, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के हिसाब से इस गेम को तैयार किया जा रहा है जिससे लोग थोड़ा उससे रिलेट कर सके। दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है कि आप वर्चुअली ग्राउंड सिमुलेट कर सकते हैं। तीसरा बदलाव जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर नए स्किन और नए करेक्टर, मतलब कि इंडियन जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें कि इंडिया को बिलोंग करती हैं, उस तरीके की चीजों को गेम में लेके आया जाएगा। और यही नहीं, जो आप गेम स्टार्ट करने के टाइम में देखते थे कि हाफ नेक्ट या कह सकते हैं कि फुली नेक्ट इंसान आपके सामने खड़ा हो जाता था आके और उसको आप ड्रेसअप करते थे, वैसा बिल्कुल भी अब नहीं होगा। वो कपड़े पहने रहेगा और आप उसके कपड़े को या फिर स्किन को चेंज कर सकते हैं। चौथा बदलाव यह किया जा रहा है कि जब आप शूटिंग करते हैं तो शूटिंग के टाइम में आपको पहले रेड जो निशान देखने को मिलते थे वो अब देखने को नहीं मिलने वाले हैं, वहां पे आपको ग्रीन निशान देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा काफी ज्यादा लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा गेम खेला जाता है। 5वां पॉइंट, पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इंडिया के अंदर छोटे बच्चे पबजी बहुत ज्यादा खेलते हैं और कितने घंटे खेल जाते हैं कुछ पता नहीं होता उन लोगों को। तो अगर आप मोबाइल के अंदर एक टाइमिंग फिक्स कर देंगे 2 घंटे 1 घंटे का, तो उस तरीके से आपका जो मोबाइल है वो पबजी प्ले करना बंद कर देगा, मतलब कि वो जो एप्लीकेशन है वो चलना बंद हो जाएगा उतने देर को कवर करने के बाद। सिस्टम पहले भी उपलब्ध था जहां पे आपको चीजें थोड़ी अलग तरीके से दी जाती थी, लेकिन अब थोड़ा
कंट्रोल ज्यादा दिया जा रहा है कि आप बच्चों को ज्यादा उसके अंदर घुसने ना दें और जो एडिक्शन हो जाती है गेमिंग की उससे बच्चे बच सकें। अब ये सारी बातें आपने जो सुनी वो गेम के बारे में, गेम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, सबके बारे में है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये रोक सकता है गेम का लॉन्च होना इंडिया में, वो है 69A क्लॉज जो IT एक्ट का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। क्या होगा, जब ये गेम वापस इंडिया में लॉन्च होना चाहता है तो उसको पूरे प्रोसीजरल जो चीजें हैं उसके थ्रू होके जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री के, और कुछ मीडिया हाउसेस रिपोर्ट कर रहे हैं कि और डिले हो सकता है। अब इसके बारे में गुरुजी का वीडियो आया होगा, वो आपने देखा होगा, लेकिन मेरे तरफ से जब इन्फॉर्मेशन को निकाला गया तो ये पता लग रहा है कि जो कि बड़े गेमर्स हैं जिनकी कांटेक्ट आप कह सकते हैं पबजी के साथ लगातार बनी हुई होगी, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि पबजी एक छोटी मोटी कंपनी आज के डेट में नहीं है। 1000 करोड़ के आसपास जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, 10,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के आसपास उनका टर्नओवर एक साल का है, उन लोगों के द्वारा इस तरीके से टीजर पे टीजर देना और ये बात कंफर्म नहीं होना कब रिलीज होगा, ये सही नहीं बैठ रहा। मतलब ये है कि उनकी पहले बात गवर्नमेंट अथॉरिटीज से हो गई होंगी, जो भी प्रोसीजरल चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए तभी जाके पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में बताना शुरू किया गया है। 14 नवंबर 2020 को जैसा कि टीजर लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च के बाद यह चीज कंफर्म हो जाती है कि गवर्नमेंट के तरफ से इनको ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और बहुत जल्द आप देखिएगा कि यह मोबाइल गेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, कोई भी चीज दोबारा वापिस आता है ना तो वो चाहता यह है कि सभी तरीके से काम को करके आए कि आने वाले टाइम के अंदर फिर से दोबारा उन पर कोई ऐसा असर ना हो जो पहले हुआ था। PUBG मोबाइल इंडिया बहुत ज्यादा चर्चित गेम हो जाएगा जैसे ही लॉन्च होगा, क्योंकि उससे पहले उसको लगभग 5 करोड़ आप कह सकते हैं गेमर्स थे जो कि PUBG मोबाइल गेमिंग करते थे इंडिया के अंदर। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आज से लेके आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपको सारी क्लियरिटी मिल जाने वाली है और हो सकता है कि इसी बीच में आपको गेम भी खेलने को मिले। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब प्राइवेसी को लेके इंडियन कम्युनिटी के जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्टोरेज के बात को मान लिया जाता है तो फिर भारत सरकार की तरफ से जो क्लॉजेस बनाए गए थे उनमें से कुछ भी अगर पॉइंट नहीं बचता है तो मेरे हिसाब से गेम बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा और इस तरीके के टीजर को आप देख के विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, तकनीकी साथ पे इस वीडियो को देखने के धन्यवाद, और जो लोग रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो लोग लगातार वीडियो देखते हैं, क्या कुछ चेंज देखने को आ रहा है इस वीडियो के अंदर तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तकनीकी साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलने वाले। थैंक यू सो मच देखने के लिए।